उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड में राजस्थान सरकार ने एएसपी और आईजी को हटाने के बाद चार पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। डीजीपी एमएल लाठर ने आदेश जारी कर एएसपी सिटी अशोक मीणा, सर्किल ऑफिसर ईस्ट जनरल सिंह, सर्किल ऑफिसर वेस्ट जितेंद्र आंचलिया, सूरजपोल एसएचओ लीलाधर मालवीय को सस्पेंड कर दिया। इन अधिकारियों को इसीलिए सस्पेंड किया है क्योंकि कन्हैया लाल की ही तरह एक व्यापारी को हत्या की धमकी मिलने के बावजूद पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। दरअसल व्यापारी को भी नुपुर शर्मा मामले में गिरफ्तार करने के बाद बेल मिली थी और बार बार उसी तरह धमकियां भी दी जा रही थी, जैसे कन्हैया लाल को धमकियां मिल रही थी। व्यापारी ने दुकान बंद करके शहर छोड़ दिया था। बताया जा रहा है कि कन्हैया के हत्यारे उसे भी मारने के लिए ढूंढ रहे थे। जानकारी के मुताबिक शनिवार को शहर के एसएसपी भी हटाए जा सकते हैं। इस मामले में धानमंडी एसएचओ गोविंद सिंह और एएसआई भवर लाल को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ कन्हैया लाल की हत्या के बाद नुपुर शर्मा मामले में हत्या की धमकी देने वाले सभी लोगों की धरपकड़ राजस्थान में शुरू हो गई है। पुलिस की मौजूदगी में बूंदी में धमकी देने वाले मौलानाओं मुफ्ती नदीम अख्तर और मोहम्मद आलम राजा गौर को गिरफ्तार करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके साथ ही अजमेर दरगाह के बाहर 17 जून को भड़काऊ नारे लगाने के मामले में 13 दिन बाद चार लोगों को गुरुवार को गिरफ्तार किया था, जिसमें दो लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर लिया है। मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। तो वहीं केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने घटना की जांच के लिए 10 अधिकारियों की टीम बनाई थी। एनआईए ने कहा था कि वारदात को अंजाम देकर आरोपी अपनी कम्युनिटी में हीरो बनना चाह रहे थे। इसमें किसी भी तरह का आतंकी कनेक्शन नहीं है, इसीलिए इस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, फिर वीडियो शूट किया गया। ऐसा लग रहा है कि कन्हैया लाल पर पहले से ही नजर रखी जा रही थी। उसकी हर एक एक्टिविटी पर आरोपियों की पैनी निगाह थी। जांच एजेंसी ने यह भी कहा था कि वारदात में और लोगों के शामिल होने की पूरी संभावना है। बता दें कि 28 जून को उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। वारदात के बाद राजस्थान में जगह जगह बवाल भी शुरू हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज, लखनऊ।